पहले अबाउट फीमेल हेयर लॉस, महिला हेयर लॉस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है. मोर एंड मोर विमेन, महिला अप्रोचिंग अस कमिंग टू दिस क्लिनिक विथ हेयर लॉस. टुडे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस वजह से होता है, आप होम रेमेडीज भी क्या कर सकते हो एंड ऑफकोर्स यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं एंड वॉट आर द ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए. सो यस, इन नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हेयर लॉस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू मेल्स, बट दैट्स नॉट ट्रू. फीमेल्स ऑल्सो फेस ट्रिमेंडस हेयर लॉस स्पेशली एट सर्टन एजेस. वन इज एक तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, प्यूबर्टल टाइम में, डिलीवरी या प्रेगनेंसी टाइम पे जब हॉर्मोन चेंजेस होते हैं एंड ऑफकोर्स पोस्ट मेनोपॉजल. ऑल दीज टाइम्स द रीजंस कुड बी डिफरेंट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे मेल्स में होता है, फीमेल्स में भी इट्स अ हेरिडिटरी बेसिकली रीजन फॉर हेयर लॉस. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल या महिला हेयर लॉस इज हेरिडिटरी हॉर्मोनल. फैमिली हिस्ट्री होती है मोस्टली. हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम से वजह से भी होती है एंड बिकॉज ऑफ डाइट एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन डेफिशिएंसीज इन द डाइट एंड विटामिन या मिनरल्स डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी हो सकती है. इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर ये पहले हो रहा है तो हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है हेयर लॉस की, घर में किसी मदर को या सिस्टर को भी ये सेम प्रॉब्लम है, कोई हॉर्मोनल इश्यूज है, आपके पीरियड्स सब बराबर आ रहे हैं, थायराइड इश्यूज है, वीकनेस, लेथार्जी, हाइपोथायरॉयडिज्म स्पेशली में ये बहुत होता है. आप यू नो योर ईटिंग प्रॉपरली, हीमोग्लोबिन इज लेस, कम हीमोग्लोबिन या कम फेरिटिन की वजह से भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. एंड ऑफकोर्स देन PCOD, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन एक्सेस होने की वजह से, DHT एक्सेस होने की वजह से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉट प्रॉपर, अदर हॉर्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन वगैरह नॉट प्रॉपर, कैल्शियम डेफिशिएंसी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इसकी वजह से होता है स्पेशली इन लेटर एज ग्रुप एंड ओल्डर एज वुमेन, एंड ऑफकोर्स B12 डेफिशिएंसी. तो दीज आर ये सबसे मेन कारण है बिकॉज ऑफ फीमेल हेयर लॉस. तो पहले आप लुक एंड आस्क फॉर ऑल दीज, टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री. जब हमारे पास आते हैं हम फुल हिस्ट्री लेते हैं, वी टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री. आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन वी ऑलवेज सी, हम देखते हैं कि क्या टाइप ऑफ हेयर लॉस है, कोई पैचेस में है या इज इट एवरीवेयर, डोनर एरिया पीछे भी अफेक्ट कर रहा है, पंचेस है एक ही जगह से गया है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ एलोपेशिया एरियाटा और सम अदर मेडिकल प्रॉब्लम, या डिफ्यूज हेयर लॉस है. व्हाट ग्रेड इज द हेयर लॉस, Grade 1, Grade 2, Grade 3 बोलते हैं. पार्ट लाइन इज इट गॉन बिहाइंड. सेकेंडली हेयर लाइन देखते हैं कि हेयर लाइन में क्या है, इज इट गॉन बिहाइंड, इज इट थिनिंग अ लॉट, साइड से देखते हैं. इंटरेस्टिंगली और एक बहुत कॉमन चीज होती है, वुमेन हैव द हैबिट ऑफ टाइंग देयर हेयर टू मच टाइटली. ओके, तो इसकी वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया, बाल खींचते जाते हैं फ्रॉम द साइड्स, तो दैट इज पॉसिबल, यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एलोपेशिया. सो टिपिकली ये यहाँ से पीछे जाते हैं और सेंटर से खींचते हैं तो पीछे जाते हैं, तो वी शुड लुक फॉर दैट एंड टेल देम कि ये वजह से है. आज कोविड, पोस्ट कोविड हेयर लॉस इज वेरी कॉमन. And also you should ask if you suffered from any major surgery, trauma, any kind of mental problems or any other kind of major illness, not only COVID but other illness like malaria, dengue, typhoid, etc. Because ye sab trauma, physical ya mental trauma ke baad, jo body ko hota hai, ya illnesses ke baad, telogen effluvium karke ek cheez hoti hai, where the hair get affected and they shed a lot. इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर थोड़ा सपोर्ट करे विद विटामिन्स एंड ऑल द हेयर कम बैक, जल्दी आ जाते हैं. अगर ये ओवर 6 months टू 1 year हो गया तो क्रॉनिक टेलोजन एफ्लुवियम हो जाता है एंड देन इट कैन बिकम परमानेंट एंड दैट इज नॉट सेफ. सो अगर आपको बहुत हेयर लॉस हो रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके, वंस दे कम टू अस आफ्टर लाइक आई मेंशन बिफोर, जैसे मैंने पहले बताया, आफ्टर टेकिंग ऑल द हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपरली, वी ऑल्सो डू समथिंग नोन एज ट्राइकोस्कोपी करते हैं, जहाँ पे हम मैग्निफाइड वर्जन ऑफ स्कैल्प और हेयर देखते हैं, हेयर डायमीटर, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, देर आर मेनी साइंस, हेयर पतले हो रहे हैं, हेयर शॉक में जा रहे हैं, ये सब लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स वी कैन कम टू नो बाई डूइंग ट्राइकोस्कोपी टेस्ट, और यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं. ऑफकोर्स फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जो मैंने पहले मेंशन किया है, लाइक CBC, थायरॉयड, फेरिटिन, PCO प्रोफाइल, B12, कैल्शियम लेवल्स,
ये सब हम टेस्ट कराते हैं एंड देन वी सी देयर इज एनी अबनॉर्मलिटी हियर. आफ्टर गेटिंग ये सब रिपोर्ट आके एंड देन इफ देयर इज अ अबनॉर्मलिटी हार्मोनल प्रॉब्लम अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली. अगर कैल्शियम लेस है तो वी हैव टू गिव कैल्शियम. हीमोग्लोबिन आयरन या फेरिटिन लेस है वी नीड टू गिव आयरन एंड वी नीड टू बिल्ड अप हीमोग्लोबिन. फेरिटिन कम हो सेम वी नीड टू डू दैट. B12 कम हो तो B12 को इंजेक्शन देने पड़ेंगे. अगर PCOD प्रोफाइल अगर टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा हो तो टेस्टोस्टेरॉन ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं. अगर हॉर्मोन्स में कोई इश्यू हो वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली. सो बेसिकली ट्रीट एनी मेडिकल प्रॉब्लम जो भी है एंड देन वी गो इफ इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस लाइक हॉर्मोनल हेरिडिटरी जो हम बताते हैं हॉर्मोनल हेरिडिटरी हेयर लॉस देन वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली. सो व्हाट डू वी डू क्या क्या कर सकते हैं. मीजोथेरेपी छोटे छोटे नीडल्स या रोलर से we put in growth factors, we put in minoxidil, we put in vitamins, minerals, etc. all over the scalp so that they go directly to the root. ये one option है. Second option is PRP. PRP where we take खुद का ही blood लेते हैं female का. वो blood से platelets derive करते हैं. Platelets से growth factors निकालते हैं और ये concentrate करके हम वापस inject करके डालते हैं. These growth factors go and they stimulate the cells, the stem cells to grow hair, basically to make the hair better, healthier, stronger and also improve the blood supply. So hair ki life badh jati hai, hair ka thickness, diameter, volume and even generalized the hair becomes more, density badh jati hai. PRP ke 3 setting karne padte hai at a gap of 1 month each and then maybe a repeat session after 1 year. मीजोथेरेपी के टिपिकली 6-10 सेशंस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ हेयर लॉस. अदर ऑप्शन ऑफ कोर्स लेजर थेरेपी बहुत काम करती है. लेजर लाइट विल गो एंड स्टिम्युलेट बायोस्टिम्युलेशन ऑफ द फॉलिकल्स व्हाट वी कॉल इट एज वो करता है एंड द हेयर विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर एंड ऑफ कोर्स द लाइफ ऑफ द हेयर विल इंप्रूव. बिसाइड्स दिस सम टॉपिकल एप्लीकेशंस सर्टेन ओरल मेडिसिन आर गिवन एंड ऑल दिस इज डन और दिस विल सपोर्ट एट हेल्थ. अगर हेयर लॉस बहुत ही सीवियर हो बहुत ज़्यादा गैप्स हो स्पेशली अगर हेयर लाइन में या साइड्स में या पार्ट लाइन में या सेंटर में देन हेयर ट्रांसप्लांट इज अ गुड ऑप्शन. हम बेसिकली यहाँ से अगर हेल्दी बाल हो वी इवेल्यूएशन करते हैं ट्राइकोस्कोपी में देखते हैं प्रॉपर एक एक बाल निकालते हैं यहाँ से बाय द DHI मेथड 111 हेयर केयरफुली निकाल के उसको यहाँ डालते हैं ऑन दीज एरियाज. इन 2005-06 अगर हम 100 हेयर ट्रांसप्लांट को मेन करते हैं उसमें विमेन मे बी यूज टू बी 3-4 और आज का रेशियो इज अराउंड 18%. सो यू द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव सो मच. बेसिकली फीमेल हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट इज एन आर्ट. एक तो फीमेल के एंगल्स अलग होते हैं तो निकालने के टाइम यूड बी वेरी केयरफुल और फीमेल्स कभी बॉल्ड नहीं होते हैं तो डालने के टाइम पे एग्जिस्टिंग बाल भी डैमेज नहीं होना चाहिए. So with the new technology, newer things, implanters, one-step implantation, we are able to do this more easily without causing any trauma to the surrounding hair. So shock loss हम बताते हैं. So that is why female hair transplant gives fabulous results. लेकिन always remember, उनको हमेशा हम बताने, always set the expectation right. उनको बताओ कि what is possible, what is not possible. So of course, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगी फुल हेड ऑफ हेयर दैट इज पॉसिबल फॉर द हेयर लाइन. लेकिन सेंटर में शायद फुल डेंसिटी नहीं आए. दे कैन गेट अ गुड कॉस्मेटिक कवर दे कैन गेट इम्प्रूवमेंट बिटवीन 30% टू मे बी 70% बट इफ यू एक्सपेक्ट लाइक 100% और मे बी नॉट ओके. और अगर उनको लग रहा है कि विग जैसा लुक आएगा या हेयर एक्सटेंशन पहनते हैं ऐसा लुक आएगा इतना नहीं बढ़ सकता है. इट्स अ ट्रांसप्लांट एट द एंड ऑफ द डे. Then you suggest them accordingly, set the expectation right, counsel them and then send them to the right, then give them the right treatment, advise them the right treatment. Jab female ke hair jaate hai, when females lose hair, it can be emotionally very, very disturbing to them. Hair is a sign of beauty. For men, still Vin Diesel, wagere, you know, you can carry off the bald look. Lekin women always want and desire hair. जब उनकी हेयर की वॉल्यूम जाती है बॉल्ड स्पॉट्स दिखते हैं सो हैंड होल्डिंग इमोशनल सपोर्ट काउंसलिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल. मेनी टाइम्स वी कैन हेल्प देम टू अ सर्टेन एक्सटेंट नॉट टू मच डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द रीजन ऑफ द हेयर लॉस आर. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑलवेज रिमेंबर इमोशनली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू उनको क्या फेस हो रहा है. लेट मी मेंशन और एक चीज़ यहाँ पे कि
पोस्ट कैंसर एंड पोस्ट कीमोथेरेपी भी बहुत बार हेयर लॉस होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम द हेयर कम बैक, बट कभी कभी बाल बहुत ही वीक आते हैं. वहाँ पे भी उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडरस्टैंड, एम्पथाइज विद देम, इवेल्यूएशन, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट. दूसरी बात, बी वेरी क्लियर वॉट टू एक्सपेक्ट विद द ट्रीटमेंट एंड वॉट नॉट टू. बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत सेट करना. डोंट टेल देम गिव फॉल्स प्रोमिसेस, यू नो. अदरवाइज अगर वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको बराबर बताते नहीं हो, उनको काउंसिल नहीं करोगे कंसल्टेशन टाइम पे, देन आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर दे बी मोर ट्रॉमेटाइज. अगर आपको लग रहा है कि यू कांट इम्प्रूव टू मच, तो फिर उनको बता दो कि वी कैन ट्राई समथिंग. इफ यू फील कि बहुत बाल गए, हेयर ट्रांसप्लांट कैन ओनली बी लिमिटेड, स्मॉल एरिया कवर करोगे, तो प्लीज टेल देम. If you do the treatments rightly, diagnose properly, set the right expectations, it's very rewarding. Most of them are very very happy with the treatment. So ye, it's important ki aap barabar se counsel karo. Now cosmetic cover, agar bahut baal gaye ho, to aap sirf ek chote area mein aage bhar do, so that they can cover it, cover the back, and then you can do other options for the piche ke baal. Micro scalp micropigmentation, jo hum tattoo dalte hai, dots, medical tattoo. एक-एक डॉट डालते हैं स्कैल्प पे, तो स्कैल्प कम दिखता है. दैट इज पॉसिबल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पथाइज विद द वुमेन, गिव हर इमोशनल सपोर्ट, डायग्नोस प्रॉपर्ली, कंसल्ट, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन एंड डू द राइट ट्रीटमेंट, एंड यू विल ऑलवेज हैव हैप्पी क्लाइंट्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.